आरपीएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजलि, मेरे साथ मौजूद है। जानते हैं आज का राशिफल और पंचांग। मैं हूँ आपके साथ खुशी। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग के बारे में। वार शनिवार 30 दिसंबर 2023, विक्रम संवत 2080 नल, शक संवत 1945, शुभ कर सूर्यदेव प्रातः 6:53 पर होगा, सूर्यास्त शाम 5:54 पर होगा। पूष कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी, नक्षत्र अश्लेषा, योग विष कुंभ, रात्रि 2:55 तक रहेगा। सूर्य धनु राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्र कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त दिन के 10:47 से तो दिन के 12:29 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे वो नर्विघ्न संपन्न होगा। अशुभ समय की अगर बात करें तो राहु काल दिन के 9:31 से तो 10:50 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम, इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे तो आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आ सकती है। हो सकता है आपका कार्य सफल न हो, इसलिए इस समय को टाली शुभ समय का इंतजार करें। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से, मोबाइल नंबर 9453555111 पर रात्रि 10:00 से 12:00 तक निःशुल्क। आइए जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल दिख रहा है। किसी नए कार्य की शुरुआत आज कर सकते हैं। काफी दिनों से बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा। जानते हैं वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च अधिक मात्रा में हो सकता है। पत्नी या प्रेमिका से विवाद की संभावना है। वस्त्र आभूषण मुफ्त में मिल सकते हैं। पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगी। जानते हैं मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज ज्यादा पैसा लगाकर कुछ खरीदना चाह रहे हो तो फिलहाल अपना इरादा बदल दो, नहीं तो आपका पैसा कहीं फंस सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता समझे। कार्य बनते बनते बिगड़ते जाएंगे। जानते हैं कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना आपके लिए हितकारक होगा। किसी मांगलिक कार्य में आपको जाना पड़ सकता है, अपने किसी सहयोगी की मदद लेनी पड़ सकती है। जानते हैं सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के दिन की शुरुआत किसी शुभ कार्य से हो सकती है। किसी महिला मित्र से मिलकर प्रसन्नता होगी। लोहे से संबंधित किसी वस्तु को खरीदना आज फायदेमंद नहीं होगा। वाहन पूर्ण सावधानी से प्रयोग करें। जानते हैं कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको छोटा प्रवास करना पड़ सकता है। अपनी सभी वस्तुओं को संभाल कर रखें, चोरी जा सकती है या फिर खो सकती है। अपने परिवार के लोगों से विवाद न करें, इसी में आपका भला है। जानते हैं तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करने का इरादा हो तो दिन शुभ कहा जा सकता है। काफी दिनों से रुके हुए कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं। जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज काफी दिनों से सोचे हुए कार्यों में सफलता नजर आएगी। माताजी का स्वास्थ्य डगमगा सकता है। ध्यान देने की जरूरत समझे। किसी धार्मिक स्थल पर जाना पड़ सकता है। जानते हैं धनु राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज काफी दिनों से बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होता नजर आएगा। दक्षिण और पश्चिम की यात्राएं सोच समझकर करने की जरूरत समझे। अपने भेदों को गुप्त रखें। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना आज दोपहर के बाद ही हितकर होगा। जानते हैं मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज व्यापारी वर्ग के लिए दिन फायदेमंद साबित होगा। नौकरी पेशे वाले व्यक्तियों के लिए कठिनाइयों से भरा दिन कहा जा सकता है। निजी कार्यों के पीछे आपको दौड़ भाग अधिक मात्रा में करनी पड़ सकती है। जानते हैं कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आप अपने परिवार से कुछ परेशान हो सकते हैं। खासतौर से अपने घर की महिलाओं से सावधानी बनाए रखें। लोहे से संबंधित कुछ खरीदने का इरादा हो तो फिलहाल अपना इरादा बदल दें। जानते ही मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको शुभ समाचार कहीं से मिल सकता है। मित्रों से सहयोग की आशा कर सकते हैं। पड़ोसियों से सावधानी बनाए रखें, नहीं तो किसी समस्या में फंस सकते हैं। बेकार के कार्यों से बचें, अपने कार्यों पर पूरा ध्यान दें, तभी दिन बेहतर बना सकते। ज्योतिष परामर्श के लिए रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से संपर्क करें 9453555111। इस पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 से 11 बजे तक वीडियो को लाइक कर
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।